जी हाँ नमस्ते प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू Q&A वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जितने सवाल मुझसे किए हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, जितने भाई ने इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे किए हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज हम आप लोगों के बीच इसी वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना देता हूं ताकि अगर आप लोगों में से किसी भाई मुझसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता है या जो भी जिस भी रीजन की वजह से मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है, अगर उसका मैं जवाब ना दे सकूं तो आपके मन में भी बहुत सारी दिक्कत आ सकता है। तो मैंने इसलिए सोचा हर संडे के आप लोगों के बीच एक न्यू Q&A वीडियो आप लोगों के बीच लाया जाए, जिससे आप लोग भी कोई भी सवाल या किसी भी चीज़ से कंफ्यूजिंग होंगे तो उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, तो इससे आप लोगों का दिल भी खुश हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा हर संडे आप लोगों के लिए एक न्यू Q&A वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, हो सकता है शायद इसमें आपका भी सवाल का सिलेक्ट किया गया हो। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जितने सवाल आप लोगों ने मुझसे किए हैं उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आप लोगों को शो भी करेगा और हम आप लोगों को पढ़कर भी सुनाएंगे और उसका जवाब भी देंगे और रिएक्शन भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं रंजीत बिंद जी, लिखते हैं भाई धड़कन का वीडियो कब आएगा, आप कभी नहीं बताते हैं, मैं हर बार आपका वीडियो पर कमेंट करता हूं, लाइक भी करता हूं। दोस्तों इसके बारे में हम आप लोगों से कई बार पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि आखिर ये वीडियो सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों इसे वैसे हम आप लोगों को बताने की कोशिश की, अगर नहीं जान पाए तो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसके बारे में मैं धनंजय धड़कन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बताया कि अभी आधा काम हो चुका है लेकिन आधा काम बाकी है, इसीलिए वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं वीडियो शायद शूट हो चुका है, अभी एडिटिंग नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो वीडियो आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अगला सवाल है बलराम भारती जी, लिखते हैं धनंजय धड़कन का गाना बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरा सपोर्ट है धनंजय धड़कन का। तो दोस्तों आप लोगों को अगर धनंजय धड़कन का गाना सुनने में अच्छा लगता है तो आप लोग उसे थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, तो इससे और भी ज़्यादा आप लोगों को एहसान होगा। और दोस्तों अगर आप लोग धनंजय धड़कन का सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए दिल से थैंक्स, क्योंकि आप भी लोगों की सपोर्ट की वजह से, धनंजय धड़कन जो भी कुछ है आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से है। तो दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का थैंक्स। तो चलिए अगला सवाल है अमन राज जी का, लिखते हैं श्रवण भाई एक बार भोजपुरी टिप टॉप चैनल को ओपन करो ना, ओपन करने के बाद तेरी छुई मुई जवानी का न्यूज बनाई जो 19 घंटा में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किया था, प्लीज भाई ऑल धड़कन की ओर से। तो चलिए आपका अगर सवाल है तो मैं ये ओपन जरूर करूंगा और आप लोगों को यहाँ लाइव प्रूफ दिखा भी दूंगा कि यहाँ आखिर बात क्या है जो आप इस सवाल के वजह से इतने सवाल पूछे हैं। तो चलिए क्या नाम बोले थे, भोजपुरी टिप टॉप, तो चलिए सर्च तो कर दिया हूँ और ये शायद ये चैनल है, इस चैनल पर जाते हैं और वीडियोस में जाते हैं। तेरी छुई मुई जवानी किधर गया किधर गया, तेरी छुई मुई जवानी यानी कि 4 डे में 1.1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। थैंक्स यार आपको बताने के लिए, आपने मुझे बताया, वैसे ध्यान नहीं था इस गाने पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा व्यूज ला चुका है तेरी छुई मुई, जिसमें शिल्पी राज और धनंजय धड़कन ने दोनों मिलकर गाना गाया था, जिसका व्यूज 11 लाख से प्लस जा चुका है। तो चलिए अमन राज भाई जी, ये सवाल आप लोगों को करने के लिए दिल से थैंक्स। तो खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के जरूर दूंगा। तो चलिए अगला सवाल है वी फॉर यू भोजपुरी चैनल जी, लिखते हैं श्रवण भाई धनंजय धड़कन का गाना एक मैं लिखा जो गाना था धड़कन का दिल धड़कना भी छोड़ देगा उसी में से लिखा हूँ यह गाना, बहुत फारूक अच्छा सॉन्ग है भाई, यह गाना कैसे मैं धनंजय धड़कन देना चाहता हूँ, गाना मेरा नाम हालिम राजा। तो सबसे पहले आपका सवाल है, अगर आप धड़कन का दिल वाले पर गाना लिखे हैं या उसका तर्ज पर लिखे हैं गाना, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर जो भी अगर आपका गाना अच्छा लिखा हुआ है तो आप धनंजय धड़कन तक फेसबुक के माध्यम से सेंड कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम के माध्यम से सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका गाना अच्छा होना चाहिए तभी धनंजय जी गाएंगे, वैसे तो क्योंकि जानते हैं धनंजय धड़कन थोड़ा अलग टाइप का गाना गाते हैं, असली से थोड़ा दूर भागना चाहते हैं। अगर आपका गाना अच्छा है तो आप मुझे भी भेज सकते हैं ईमेल के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या फेसबुक पर जरिए, किसी भी जरिए मुझे भी भेज सकते हैं। अगर मुझे नहीं भेजना चाहते तो धनंजय धड़कन के डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, बहुत आसानी है आप लोगों को भेजना। तो चलिए अगला सवाल है SS सन्हौलिया फिल्म 786, सॉरी नाम लेने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, खैर कोई बार नाम थोड़ा सा अजीब है तो खैर कोई बात नहीं। तो ये भाई जी लिखते हैं भाई आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके वीडियो में लीजिए, तो आपका नाम क्या था SS सनौलिया फिल्म्स
सॉरी आपका नाम लेने में थोड़ा सा गलती हो रहा है या मिस्टेक हो रहा है पता नहीं, या थोड़ा सा आप लिखें गलत है या पता नहीं, पहली बार नाम पढ़ रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी नाम है मैंने पढ़कर सुना दिया, आपका नाम ले लिया हूँ। तो चलिए अगला सवाल है, विक्रम कुमार जी लिखते हैं, श्रवण भाई कंपनी वाले कब तक रुपया लेता है नए कलाकारों से? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया है, विक्रम कुमार जी। देखिए इसके बारे में मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपने सवाल पूछे हैं मुझसे तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आपके पास टैलेंट है कलाकार बनने का, तो आप स्टूडियो जाते हैं कलाकार बनने के लिए, यानी कि आप अपना गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, तो आप पता होगा कि आपको जब पहली बार जाते होंगे तो आपसे रुपया लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जब पहली बार जाएंगे तो आपका गाने चलेगा नहीं, आपके गाने पर व्यूज़ नहीं आएगा, तो कंपनी वाले को लॉस हो सकता है उससे, तो यानी कि कंपनी वाले को कोई फायदा नहीं होगा, तो इससे आप लोगों से रुपया लिया जाता है। जब तक तब तक कि आप एक अच्छे कलाकार अच्छी तरीके से गाना रिकॉर्डिंग नहीं कर लेते हैं, यानी कि अच्छे आउटपुट आप नहीं दे सकते कंपनी वालों को, तब तक आपसे रुपया लिया जाएगा। अगर आप अच्छे कलाकार बन गए, यानी कि आपका गला साफ हो गया, अगर आप अच्छी तरीके से गाना गाने लगे और आपका गाना पब्लिक लोग सुनने लगा, तो दोस्तों आपका कंपनी वाले से एग्रीमेंट कर लिया जाएगा और आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, कंपनी वाले एग्रीमेंट के थ्रू आपको रुपया दिया जाएगा। जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो आप अपना जिंदगी जिएगा। तो बस ये था सवाल, जो तो मुझे उम्मीद है आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अगला सवाल है, सिंहेश्वर कुमार जी लिखते हैं, श्रवण भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक भाई है जिसका नाम बेचन बिहारी, वो एक सिंगर बनना चाहता है, वो दो गाना रिलीज किया है पूरा कमेंट नहीं आया है इसमें, लेकिन इसका जो भाई सिंहेश्वर कुमार का जो भाई है उसका नाम है बेचन बिहारी, एक बार सिंगर बनना चाहता है, दो गाना रिलीज भी करे। दो गाना रिलीज करने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, अगर आप एक्चुअल में आपका भाई कलाकार बनना चाहता है तो उसे आप रेगुलर गाना गवाइए, उसे आप रेगुलर रियाज करवाइए, रेगुलर गाना गाएगा, रेगुलर पब्लिक लोगों से नज़र में आएगा, तो पब्लिक लोग उनके जानेंगे पहचानेंगे, तभी तो उनका गाना सुनेंगे, तभी तो वो आपका भाई पॉपुलर होगा। तो एक दो गाना रिलीज करने से कुछ नहीं होता है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल है, सबका सवाज आलम जी लिखते हैं, हम सवाज बोल रहे हैं, आपका वीडियो बनाने का बहुत अच्छा लगा मुझे, आप मेरा नाम वीडियो में ले क्योंकि मैं धड़कन धनंजय का छोटा सा प्यारा सा फैन हूँ। आपका आवाज़ ही सुनकर क्यूट सा लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा फैन हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो भी फैन हैं तो आपका मैं नाम जरूर लूँगा, अगर आप धनंजय धड़कन को सपोर्ट करते हैं या मुझे प्यार देते हैं तो इसके लिए आपका नाम क्यों ना लूँगा। आप मुझे कमेंट के बाद आपका नाम ना लूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपका नाम है सबका सवाज आलम, सॉरी नाम लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, आपका जो नाम था मैंने ले लिया हूँ। तो चलिए अगला सवाल, कृष्णा कुमार डे कृष्णा जी लिखते हैं, श्रवण भाई मेरा भी नाम लो, मैं तो धनंजय धड़कन का फैन हूँ और धनंजय धड़कन को गाना डीजे पर बजाने वाला गाना की यू नहीं आ रहा है, सॉरी आपका थोड़ा सा कमेंट लिखने में गलत हो चुका है, लेकिन मैं आपका फीलिंग्स समझ रहा हूँ कि आखिर आपका फीलिंग्स क्या, आप बोलना क्या चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है श्रवण भैया मेरा भी नाम लीजिए, तो ठीक है आपका नाम कृष्णा कुमार जी, ठीक है कृष्णा कुमार जी, और आप धनंजय धड़कन का गाना डीजे पर बजाते हैं तो इसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक्स, आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से धनंजय धड़कन इतने बड़े कलाकार बने हैं। तो चलिए अगला सवाल है, राजा भाई जी लिखते हैं, धड़कन का दिल का गाना का वीडियो जल्दी से जितना जल्दी होगा धड़कन का दिल का वीडियो बता दो, बहुत बेसहली से इंतजार है वीडियो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने ये वीडियो शुरू से देखते होंगे तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि धड़कन का दिल वाला वीडियो सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है, और जब भी ये वीडियो आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूँगा, गाना रिलीज होने से पहले एक दो दिन पहले मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँगा कि हाँ गाना आने वाला है। तो दोस्तों बस यही था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हम आप लोगों को देना चाहते थे, हमें उम्मीद है जो भाई मुझसे इंपॉर्टेंट सवाल किए थे उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, और जिस भाई का सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है तो उसके लिए दिल से सॉरी, आप लोग इसी वीडियो के थ्रू आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है अगला क्यूएनए वीडियो में आपका सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों बस यही था वीडियो जो हम आप लोगों को देना चाहते थे, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता आप लोगों से किसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।